केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने यह दावा करते हुए बताया कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा चुनाव साथ होंगे, इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह आना चाहिए, जैसे उड़ीसा में एक साथ चुनाव हुए। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। ये आना चाहिए, जैसे आप उड़ीसा में देखिए एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है, और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं लगभग पूरा साल में कुछ का काम नहीं होते हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका तो अभी देखिए, हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5-5 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी, तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है उचित नहीं है तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% GDP कैसे बढ़ेगी, जो तर्क दिया है कोविंद जी ने।